सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा कि जब बंटवारे हुए थे तो 22% आबादी हिंदुओं की पाकिस्तान में थी, आज 1% से नीचा। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो लोग जो है, ये उनकी सोच है कि हमारी आबादी बढ़ जाएगी तो हम लोग यहाँ पे जो है अपना कब्जा कर लेंगे, भारत पे हम राज करेंगे। 2.8% घटी है हिंदुओं की, मुसलमानों की ज्यादा घटी है, 3.4% वृद्धि उनका कम हुआ है। हिंदुओं के खिलाफ जिहाद कब तक? आपकी जुबान में लगता है विपक्ष की जुबान घुस गया। देश में पिछले कुछ समय से एक ही समुदाय को बार बार निशाना बनाया जा रहा है, मीडिया भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। जब देश में कोरोना शुरुआती दौर में था तब मीडिया ने इसे कोरोना जिहाद कहकर एक समुदाय को निशाना बनाया था, पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया और कहा कि इस मामले में तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया है। कोर्ट ने साथ ही मीडिया को फटकार लगाते हुए कहा कि इन लोगों को ही संक्रमण का जिम्मेदार बताने का प्रोपेगेंडा चलाया गया है। हाल ही में डॉक्टर कफील खान को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिहाई के आदेश दिए हैं। उन्हें सरकार बार बार कोई न कोई केस में फंसाने की कोशिश कर रही थी, पर अब हाईकोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा है कि NSA के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेना और हिरासत की अवधि को बढ़ाना गैर कानूनी है, कफील खान को तुरंत रिहा किया जाए। वहीं दूसरी तरफ जब कोई मीडिया नफरत भरी डिबेट को जोर देता है तब उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम बिंदास बोल पर 28 अगस्त शुक्रवार को रोक लगा दी। पहले सुनिए उस शो में क्या दिखाया जाना था। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान IPS IAS में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। देखिए नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान। शो एक समुदाय को ही टारगेट कर रहा था। पिछले कुछ समय से ही कुछ नेता और मीडिया द्वारा यही मांग की जा रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लाया जाए। ये कानून देश के लिए एक अच्छी शुरुआत होगी अगर लागू होगा, पर किस तरह इस कानून के मूल मुद्दे को हिंदू मुस्लिम में बदल दिया गया, आपको सुनाते हैं पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की वो बातें जहां वो बता रहे हैं कि ये कानून क्यों लाना चाहिए। एक मीडिया ने दिखाया था कि पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में धर्म के आधार पर हुआ, ये गांव गांव का बच्चा बच्चा जानता है। मैं यहां पूछूं कि ये बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था कि नहीं हुआ था, जरा हाथ उठा के बताओ। मैंने तो विरोध नहीं किया था, हमारे पूर्वजों ने तो विरोध नहीं किया था, लेकिन उस मीडिया ने दिखाया कि जब बंटवारे हुए थे तो 22% आबादी हिंदुओं की पाकिस्तान में थी, आज 1% से नीचा। अगर आज 1% से नीचा हुआ तो क्या मेरी बहनें जो वहां थी वो बांझ थी, पुरुष नपुंसक थे? नहीं। तो आखिर आबादी गई कहां? ये सच है कि भारत के अंदर हमारी जनसंख्या गिर रही है, पाकिस्तान में भी हमारी जनसंख्या आज 1% से नीचा है। इस कार्यक्रम में जहां गिरिराज सिंह भाषण दे रहे थे, वहीं सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ सुरेश चावनके ने भी भाषण दिया और मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया। इस सभा में लोगों की सोच में कितना बदलाव देखने को मिला, आप ये भी देखिए। द प्रिंट के पत्रकार ने कुछ लोगों से बात की और जनसंख्या कानून पर सवाल किए। आइए जानते हैं लोगों ने क्या जवाब दिए। जिस तरीके से आबादी लोगों की बढ़ती जा रही है तो इन लोगों की आबादी आने वाले समय में हम लोगों से बहुत ज्यादा हो जाएगी। इन लोग मतलब मुस्लिम्स की? मुस्लिम से। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो लोग जो है, ये उनकी सोच है कि हमारी आबादी बढ़ जाएगी तो हम लोग यहाँ पे जो है अपना कब्जा कर लेंगे, भारत पे हम राज करेंगे। तो मतलब मुस्लिम औरतें इससे बच्चा पैदा कर रही है ताकि भारत पे कब्जा हो सके? जी जी। हमारे आने वाले जनरेशन इन मुसलमानों के अंडर में काम करेगी। यहाँ की जो आज मोदी है, मोदी नहीं होगा कोई ओवैसी के टाइप का प्रधानमंत्री बनेगा। जिस तरीके से इनकी आबादी बढ़ रही है उसके अनुसार 2029 में कोई हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा।
2050 जब आएगा तो उस समय हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी, मुसलमानों की संख्या अधिक हो जाएगी। इस सब में कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं। पहले जानते हैं जनसंख्या को लेकर कुछ आंकड़ों के बारे में जो सरकार द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। भारत में 2011 के जनगणना के डेटा की बात करें तो देश में हिंदुओं की आबादी 79.80% है और मुस्लिम आबादी 14.23% है। और ये दावा किया जाता है कि पिछले आंकड़े के मुताबिक मुस्लिम की आबादी बड़ी है और हिंदू की आबादी घटी है, क्योंकि 2001 के आंकड़ों की बात करें तो हिंदू की आबादी 80.46% थी और मुस्लिम आबादी 13.43% थी। सवाल ये कि क्या सच में मुस्लिम आबादी बढ़ी है, इसकी जानकारी एनडीटीवी पर वरिष्ठ पत्रकार अनुदय चक्रवर्ती ने अपने शो में दी। 2001 से 2011 तक मुस्लिम प्रतिशत बढ़ गया है। इसके पीछे जो न्यूज है ये तो न्यू फैक्ट है, लेकिन इसके पीछे जो असली फैक्ट है उसको आपको नहीं बताया जाता है, वो हम आपको बताएंगे। जनसंख्या वृद्धि में गिरावट होती रही है। ये दो सेंसस है, 81 से 91 का जो 10 साल है और 91 से 2001 तक का जो 10 साल है। 2.8% घटी है हिंदुओं की, मुसलमानों की ज्यादा घटी है। 3.4% वृद्धि उनका कम हुआ है। उसी तरीके से अगर 91 2001 से अब अगले 10 साल का कंपैरिजन करेंगे तो हिंदुओं की जो जनसंख्या वृद्धि में गिरावट है जो होती रहती है वो घटता रहता है। हिंदुओं का और भी दर घटा है, पहले 2.8 था वो 3.1 हो गया। मुसलमानों का देखिए 3.3 से 4.9% हो गया। किस तरीके से अगर हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि में 0.3% का डिफरेंस आया है तो मुसलमानों का 1.5% डिफरेंस आया है। इसके बाद एक सवाल उत्पन्न होता है कि क्या सच में मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी से बढ़ जाएगी, इसकी जानकारी एबीपी न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में दी है। तो जानते हैं मुसलमानों की संख्या हिंदुओं की संख्या के बराबर कब पहुंच सकती है और दोनों की जनसंख्या बराबर होने के लिए जानते हैं भारत की कुल जनसंख्या कितनी होगी, 13,000 करोड़। जी हाँ, बढ़ते बढ़ते जब भारत की कुल आबादी 13,000 करोड़ हो जाएगी तब जाकर हिंदू मुसलमान बराबर होंगे, 6,500 करोड़ और 6,500 करोड़, अगर दोनों अपनी आज की रफ्तार से बढ़ते रहे तो। और उसके लिए आपको 2,281 के सेंसस का इंतजार करना होगा, यानी 270 साल बाद। यानी इससे बड़ा भ्रम कुछ हो ही नहीं सकता। जब नेताओं से जनसंख्या को लेकर एंकर सवाल करते हैं कि आपने अपने प्रदेश में इसे लागू क्यों नहीं करवाया, तब मंत्री जवाब नहीं देते और उठ के चले जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देश में कुछ लोग हैं जो हर चीज का विरोध करते और वो हर चीज को धर्म और वोट की नजर मेरे, से मेरे, मेरे सवाल के जवाब देश का गोल गोल नहीं है। गिरिराज बाबू, आप तो साफ साफ बात करते हैं, इसलिए हम गोल गोल बोलते ही नहीं। मैं साफ साफ पूछ रहा हूँ, आप गोल गोल, आप बिहार में, आप बिहार में सत्ता में है इतने सालों से, बिहार में बिहार में कानून क्यों नहीं बना? तमाम राज्य सरकारों ने लागू कानून कर दिया, होना चाहिए। मैं क्यों नहीं हुआ, मैं पक्षधर क्यों नहीं हुआ, कौन जिम्मेदार है, बिहार क्यों नहीं हुआ? आप तो बिहार के सांसद हैं, बिहार हो, बंगाल में वो दिक्कत नहीं है प्रजनन दर के लेकर। मैं मेरा सवाल का जवाब दीजिए, यूपी में आपकी सरकार योगी जी, पहले आप सहनीय, बिहार में आपकी सरकार, अरे भैया क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं कर दिया आपने, क्यों नहीं कर दिया आपने? पहले आप चुप होंगे कि आप बीजेपी का भूत आपको सवार हो गया, प्रॉब्लम अवस्थी जी है, बीजेपी से हम सवाल नहीं पूछ सकते, सवार है बीजेपी से, सवाल नहीं पूछ सकते, आपकी जुबान में लगता है विपक्ष की जुबान घुस गया है। गिरिराज बाबू, बीजेपी से सवाल नहीं करना चाहिए। कुछ मुद्दे तो ऐसे होते हैं जिन पर मीडिया ध्यान ही नहीं देता। मीडिया तो खुद डिबेट में कम्युनल एंगल लाने की कोशिश हर वक्त करता रहता है। सवाल ये है, जाकिर नाइक भारत का भगोड़ा है, उस पर आतंकवादियों को प्रेरित करने के, आतंकवाद फैलाने के, आतंकवाद को बढ़ाने के, मुसलमानों को आतंकवादी बनाने के कई सारे आरोप लगे हैं। भगोड़ा जाकिर नाइक इस वक्त मलेशिया के अंदर छुपा हुआ है, लेकिन वहां से वो भारत के इस महान प्रजातंत्र को चुनौती दे रहा है। वो कह रहा है कि मुस्लिम और दलित का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाए जिससे वो यहाँ पर राज कर सके। जाकिर नाइक के जिहाद वाले जहरीले बोल, देश और दलितों को बांटने की नई चाल, राजनीतिक पार्टी बहाना, देश के हिंदुओं पर निशाना। हिंदुओं के खिलाफ जिहाद कब तक, कहीं लव जिहाद तो कहीं डिजिटल जिहाद। जी हां, हीर खान से लेकर सुष्मिता सिन्हा तक हिंदू आस्था का अपमान इतना आसान। क्या राम मंदिर निर्माण की चिड़ की वजह से हिंदुओं और हिंदू आस्था पर लगातार चोट की जा रही है क्या? क्या राम मंदिर निर्माण का बदला हिंदू देवी देवताओं के अपमान से लिया जाएगा क्या?
हम उम्मीद करेंगे कि समाज में नफरत फैलाने के बजाय मिलजुल के रहने के बारे में मीडिया बात करे। हम उम्मीद करेंगे कि मीडिया समाज में नफरत ना फैलाकर सबको साथ लेकर चलने पर जोर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।